कहानी दादियों की, दिन है हम तो निशानियां, आज बने हैं जो भी हम तो इनकी मेहरबानियां, इनकी मेहरबानियां। जेमिनी बहन, ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज ये भी सौभाग्य की बात है क्योंकि जिस आत्मा को हम आज सुनने जा रहे हैं, वो अति व्यस्त लंदन में ईश्वरीय सेवाओं में अति व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने आज हमें अपना एकदम बहुमूल्य समय प्रदान किया है। पिछले 40 वर्षों से आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई देशों में आपने ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट भी किया है और वहां के पब्लिकेशंस में भी आपका मुख्य पार्ट लंदन में रहता है और बहुत सारी विशेषताएं हैं आपकी। अगर वो मैं ज्यादा सुनाने जाऊंगा तो समय जाएगा और क्योंकि आपके पास दादी जानकी के साथ के भी बहुत अंग संग के अनुभव है तो बहुत समय ना लेकर के इस ये जो कारेली बाग की ये सभा है, इस सभा के मुख्य प्रतिनिधि जिसको कहे हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन, उनका जरूर मैं परिचय कराना चाहूंगा। इसके पश्चात आप भले अपना अनुभव प्रदान करना शुरू करें। तो डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन, ये युगल के द्वारा चलने वाला ये कारेली बाग सेवा केंद्र है और 1968 में साकार ब्रह्मा बाबा ने आपको गांधर्व विवाह का परमिशन दिया था, छुट्टी दिया था। एक बहुत बड़ी ये दास्तान है। सार रूप में कहे तो साकार ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार, श्रीमत के अनुसार आपने गांधर्व विवाह किया और गुजरात का एकमात्र सेवा केंद्र युगल के द्वारा चलने वाला। और जो हमारी मेडिकल विंग है जैमिनी बहन, तो मेडिकल विंग के हमारे डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जरा वेलकम करें, फिर हमारे जैमिनी बहन अपना अनुभव शेयर करना शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति जयंति भाई, बो वर्ष पछी तमे मड़िया। हाँ, याद छे करू जैमिनी बहन? बिल्कुल याद छे, बो वर्ष थी गया। अच्छा, अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जैमिनी बहन, आपका अनुभव सुनाओ। हाँ जरूर जरूर। मैंने कहा कि सब भाई बहन हमारे बड़ौदा के, आप लोग तो भाग्यवान हो। मैंने देखा आपके YouTube में बहुत सारे भाई बहने, चार्ली भाई भी आए थे ना। हाँ, पता नहीं कैसे सबके साथ संपर्क करके, ये हमारे मिनेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, मिनेश भाई सबको पकड़ के लेके आते हैं। अच्छा है, हमको भी देखो। मैंने देखा आपने प्रवीणा बेन, हमारी हेमा बेन, गीता बेन, सबको, दक्षा बेन जो हमारे साथ यहाँ रहते हैं, वो भी मुझे बता रहे गोपी बेन का भी आए थे जी। जी क्या है मिनेश भाई, यहाँ पर मोर और लेस लॉकडाउन फिनिश, अभी मैं सबको बोलती हूँ जूम जूम फिनिश। मेरा ये, मैंने कहा मेरा लास्ट जूम है। मेरा भी और देशों के साथ, कोलंबिया के साथ था, सबके साथ होता ही रहता है। मैंने बोला अभी लास्ट जूम है, अभी जूम नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि अभी हम लोग तो पहले भी कारोबार में इतना व्यस्त है बाबा के यहाँ सेंटर में। और जैसे भारत में बहुत सारे हैंड्स है, यहाँ ऐसे नहीं होता, हमको सब कुछ करना है। बाहर भी जाना है, ड्राइविंग भी करना है, ये भी करना है, कंप्यूटर पे ऑफिस में 2 बजे तक मैं ऑफिस में काम करती थी, फिर उसके पहले मीटिंग्स बहुत सारी होती है, बहुत सारी बातें हम लोग फाइनल करते हैं, क्योंकि सैटरडे से हमारा अभी राखी का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे, हम लोगों ने 5 दिन 8 सेशन बनाए हैं, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक ग्रुप में करीबन 130-150 जितने भाई बहन बैठ सकते हैं ऑडिटोरियम में, 500 का है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और साथ साथ हम लोग फैमिलीज और बबल, जैसे नहीं जो एक घर में 5 लोग रहते उसको बबल कहते, 5 से ज्यादा नहीं पर 5,
तो वो लोग साथ में बैठ सकते हैं, फिर जो फैमिली में रहते हैं वो लोग साथ में बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार से सबको फॉर्म्स दिए हैं, वो फॉर्म्स भर के सब भेजते हैं। तो वो सबको मैं ईमेल भी कर रही थी, जो जो हमारे नजदीक है ना उनको सब। आम हम नए लोगों को नहीं बुलाते, एकदम स्ट्रेंजर्स को नहीं बुलाते हैं अभी, तो सिर्फ ब्राह्मण और संपर्क वालों को बस। तो ये हमारा राखी का पूरा कार्यक्रम शुरू होगा सैटरडे को। फिर हम बहुत सारी मीटिंग करते कैसे करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना फिर क्या है, कोई ना कोई अगर कंप्लेन चली जाएगी हमारे लोकल काउंसिल में, तो फिर हमको पूरा घर बंद करना पड़ेगा, हमारी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और हम 30 तारीख, अच्छा हाँ बोलो बोलो, 30 तारीख से हम आपको थोड़ा समाचार दे देते, इसलिए आपको मालूम पड़े। 30 जुलाई से फिर हम अमृत वेला के लिए बाबा का ग्लोबल हाउस हम 3:30 बजे से खोल देते हैं, 3:15-3:30 बजे से बाबा का घर खुल जाता है। तो 4 मास के बाद अभी 30 तारीख को सब अमृत वेला, यहाँ सबको मेडिटेशन का बहुत अच्छा लगता है, बाबा के बच्चों को अमृत वेले बाबा के घर में आते हैं। सो जो नजदीक में रहने वाले हैं वो सब बाबा के घर में आते हैं अमृत वेला। हम 30 तारीख से अमृत वेला भी खोलेंगे। तो ये जो हाउस है यहाँ पर सब लोग नहीं रहते हैं, सब सेवा के लिए आते हैं। सिर्फ यहाँ ऊपर डायमंड हाउस में 12 रूम है जहाँ हमारे गेस्ट आते वो रहते हैं, और जयंती बेन दादी यहाँ पर रहते हैं, और हम लोग जो है सब बहने सेवा करने वाली। हमारे यहाँ 2 भवन है, इंद्रप्रस्थ और सुखदा, मेन रोड पर ही है हमारे इस घर से 1 मिनट दूरी पर, वॉकिंग डिस्टेंस। जैसे सुखधाम है, विज्ञान भवन है, ऐसे हमारा सुखधाम है और यहाँ इंद्रप्रस्थ है। सब नाम जो है दादी ने मधुबन के नाम रखे है। हार्मनी हाउस हमारे सामने भाइयों का घर है, वहाँ भाई लोग हमारे रहते हैं सब, जो सरेंडर है, जो सेवा करते हाउस में वो वहां रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। और टेनिसन रोड का नाम है ओम निवास, जहाँ मणि बहन रहती है, फिर और बहने वहां रहती, उनका भी रखा है, मणि बहन का भी है, हाँ जसू बहन, मणि बहन, बलवंत भाई और लेस्टर हाँ। वाले दीपिका बहन, सभी का भी होने वाला है, लंदन अच्छा। पूरा ही कवर किया हुआ है। तो आप लोग अभी कब तक है लॉकडाउन में? बस जब तक आप साथ देंगे। ड्रामा है हम दादी के लिए तो क्या कहेंगे। मैं एक्चुअली बहुत भाग्यवान हूँ कि यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं उसमें से सबसे पहले मेरे को मौका मिला है, सबसे पहले दादी जयंती बेन सुदेश बेन के साथ 78 से मैं बाबा के पास आई हूँ। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, सीधा ही बाबा के घर में आई। बाबा का वाइब्रेशंस जो है घर का वो ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ नहीं परंतु जहाँ मैं रहती थी ना लोकल 1 घंटा की दूरी पर, तो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, तो वहां पर लोकल हमारा गीता पाठशाला जहाँ हमारे सुरेंद्र भाई रहते हैं, आप जानते होंगे सुरेंद्र भाई बारोट, उनका लड़का तुषार जो मीडिया बीबीसी में काम करते हैं, जानते हैं सुरेंद्र भाई। हाँ, सुरेंद्र भाई का हाँ, कोकिला बेन उनका लड़का है ना, वो नड़ियाद के है, वो आए थे नड़ियाद से। तो जब तुषार इतना छोटा था 10 साल का, तो मैंने सुरेंद्र भाई को बोला कि ये युगल जो है वो जा रहे हैं भारत, तो आप इनका ही घर ले लो ना, बाबा का घर है, किसी के हाथ में नहीं जावे। तो वो लोग देखने गए, फिर उन्होंने ही रख लिया वो घर, और वो हमारे अनुराधा बेन फिर चले गए इंडिया। पोलोमी बेन है ना, ये नड़ियाद कॉलेज में प्रोफेसर रही है 20 साल, और फिर अभी समर्पित है। पोलोमी बेन हमारे साथ रहती है। अच्छा, पीएचडी किया है और अच्छा, तो नड़ियाद में सबको पहचानती है। हाँ, तो सुरेंद्र भाई और कोकिला बेन नड़ियाद के है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है ना मोस्टली इन अफ्रीका के है। हम लोग नियरली 3/4 हमारा क्लास अफ्रीका का है। कल बाबा ने जो मुरली चलाई ना, तो वो अफ्रीका ग्रुप है। तो तभी मैं उन दिनों में जब बाबा ने मुरली चलाई, शायद मधुबन में हम लोग थे, अफ्रीका का पूरा ग्रुप था वहां पर। तो बाबा ने जो उनको बोला कि आप लोग निर्भय होकर के, निडर होकर के कैसे सेवा करते, अफ्रीकन लोगों के साथ रहना, उनका खाना पीना कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उनकी चलन कैसी, ऐसे लोगों के साथ रह के आप सेवा करते। हमने देखा कि जब दादी
जब मैं ज्ञान में आई थी, माना मैं जब लंदन में थी, मैं स्टूडेंट थी और मैं सिटी में हमारे हार्ट ऑफ लंदन पिकडली सर्कस है वहां पर बैंक में मैं काम करती थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ नॉर्मल है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई भी पढ़ते हो और काम भी करते एक्सपीरियंस के लिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ेगा और काम नहीं करेगा। मोस्टली 99% हर एक स्टूडेंट्स आज दिन तक, हमारे भारत से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो समझो दिन में पढ़ेंगे, शाम को वो लोग कहाँ ना कहाँ काम करेंगे। तो हम दिन में बैंक में हम काम करते थे 9 to 5, एंड देन शाम को हम कोर्स, माना जो हमारी स्टडी थी ए लेवल्स था, वो हम पढ़ाई पढ़ते थे क्योंकि हमको वो पास करके फिर आगे हमको पढ़ना था। परंतु उस बीच में ही सेकंड ईयर में मैं ज्ञान में आ गई। तो जैसे मुझे बाबा का ज्ञान समझ में आया, कोर्स तो कभी नहीं किया, सीधा मुरली क्लास में गई। पहला अनुभव मेरा ये है बाबा के साथ का, मैं बाबा के घर में पांव ही रख के जैसे मैं एकदम लाइट हो गई और अशरीरी हो गई। और बाबा के जैसे हमारा अनुराधा बेन टीचर थी निमित, वो कोर्स माना वो सुबह को मेडिटेशन करा के, हमारा 5:30 बजे क्लास होता था, तो मेडिटेशन के बाद वो मुरली पढ़ती है। तो जैसे मेडिटेशन में बैठी थी वो सबको दृष्टि दे रही थी, हमको जब दृष्टि दिया मैं तो बिल्कुल अशरीरी बन गई और मैं जैसे परम धाम में आत्मा चली गई। मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ शिव बाबा परम धाम में, जिनको मैं इतने साल से ढूंढ रही थी वो ये है मेरा बाबा। मीनिंग इतना उसी समय अनुभव हुआ कि यही परमात्मा है। किसी ने परिचय नहीं दिया मुझे बाबा के बारे में, परंतु जैसे मुझे अंदर से स्ट्रोंगली मेरा कल्प पहले का पाठ है, कल्प पहले की स्मृति उस समय एकदम जैसे ऐसे इमर्ज हो गई जैसे बाबा को मैं जानती हूँ। और ज्ञान इतना, एक एक बाबा के महावाक्य मेरे को दिल में लगते थे, एक एक महावाक्य में सुनती थी, मेरे को गूस पिंपल्स होते थे, माना ऐसे रुआटे खड़े हो जाते थे। इतना मेरे को लगता था माय गॉड ये तो सब ट्रूथ है, ये सब सत्य है, ये सब सत्य, ऐसा लगता था, इतना अच्छा लगता था, मेरी आंख में पानी आ जाता था। तभी मैं 20 years old थी, 19-20 years की थी। और मुझे याद है कि जब मैं पता है 5 साल उसके पहले बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में मैंने साइंस किया था, प्रेप साइंस, फिर मैं फर्स्ट ईयर में जाने वाली थी। तो मेरा फादर लंदन में रहता था, तो उन्होंने हमको बोला सब आप लोग इधर आ जाओ। तो 5 years हम बड़ौदा में रहे, हम लोग 3 स्थान पर रहते थे। एक तो हमारा फ्लैट था शिराली सोसाइटी में, नए फ्लैट्स बने हुए थे फतेहगंज में, आपको याद होगा कि नहीं। फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर हम शिराली सोसाइटी जहाँ ईस्टर्न सोसाइटी है वहां पर, फतेहगंज ही कहते उसको, फिर हम पहले हमारा फ्लैट था राजेश्री टॉकीज जिसको बोलते सिनेमा हाउस, उसके सामने आनंद अपार्टमेंट्स नए बने थे तभी, तो हमारा घर वहां पर था। फिर वहां से हम शिराली सोसाइटी में गए क्योंकि मेरे स्कूल के सामने ही घर था, मेरा फादर हमेशा हमारा घर स्कूल के सामने लेता है। फिर वहां से हम लोग निकल के हम राजमहल रोड पर गए, तो राजमहल रोड पर इंजीनियरिंग स्कूल, बड़ौदा हाई स्कूल, बड़ौदा बॉयज स्कूल, फिर श्रेय स्कूल, बहुत सारी स्कूल नजदीक में होती थी। तो ऐसे जगह पर मेरा फादर घर लेता है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस हो, माना ऐसे भटकना न पड़े। तो हमने ये अनुभव किया बड़ौदा में कि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन था ना, हमको लैंग्वेजेस इतना नहीं आता था, हिंदी गुजराती संस्कृत, तो मेरा फादर हमेशा हमको कहते थे आपको ये 3 languages जरूर पढ़ना है क्योंकि ये लैंग्वेज आपके कल्चर के साथ कनेक्टेड है, अगर आपने अपना कल्चर नहीं सीखा तो क्या सीखा। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। तो हमने 3 languages सीखी, हिंदी गुजराती और इंग्लिश। तो जब हम लंदन में आए तो मैंने देखा कि
यहाँ पर ये लोग हिंदी पढ़ते हैं. मैंने देखा ये हमारा अनुराधा बेन, शी हैज हिंदी मुरली इन हर हैंड. तो मैंने अनुराधा बेन को बोला आप मुझे को पढ़ के सुनाओ, तो वो पढ़ के मुझे हिंदी मुरली सुनाती है, फिर मुझे एक्सप्लेन करती है तो मुझे समझ में आती है. फिर मैं उनको बोलती हूँ मुझे आप हिंदी मुरली दो, मैं फोटो कॉपी करती हूँ, फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ, अपने आप पढ़ती हूँ. ऐसे करते करते मेरा हिंदी इतना इम्प्रूव हो गया, क्योंकि हिंदी हमने पढ़ा है परंतु प्रैक्टिस नहीं किया था. तो आज हम हिंदी में क्लास कराना, हिंदी में मुरली पढ़ना मेनली, या हिंदी मुरली रीडर मेन तो मैं हूँ. दादी ने मेरे को तैयार किया, क्योंकि और तो कोई हिंदी मुरली पढ़ने वाले यहाँ पर नहीं थे उन दिनों में, मैं ही थी. तो सुदेश बेन थी, वो ट्रैवलिंग पर होती थी, तो दादी मेरे को हमेशा इंकरेज करती थी हिंदी पढ़ना, एवरीडे अमृतवेले के बाद मुरली पढ़ना, अमृतवेले के बाद मुरली पढ़ना. तो जब मैं दादी के साथ रहती थी तो दादी ने पहले हमको ये ट्रेनिंग दिया, अमृतवेला एकदम पक्का, अमृतवेला एकदम फाउंडेशन. कभी अमृत वेला कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना. अगर मिस भी होता है बाबा को गुड मॉर्निंग करो. दादी मुझे हमेशा कहती थी अगर आप बहुत थक जाते, क्योंकि हम लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, 3:30 बजे से उठते हैं, रात को मेरे को 11 बजता है सोने, जब तक मैं सोने जाती हूँ 11 बजता है, और सुबह को 3:30 उठना है. सो मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे फिर बहुत थक जाते हैं. तो कभी कभी फ्राइडे सुबह को आंख लग जाती थी. तो मैंने देखा कई बार दादी, नॉट मेनी टाइम्स मीनिंग फ्यू टाइम्स, मेरा आंख नहीं खुला तो दादी आके जैसे पैसेज में खड़ी होती थी, मेरे को वाइब्रेशन आते थे, मैं एकदम खड़ी हो जाती थी. फिर कभी कभी मेरा इतना गहरी नींद होती थी, दादी मेरे बेड के पास आके अपना हाथ सिर पर रखते थे. जैसे दादी सिर पर रखती थी हाथ, एकदम मैं उठ जाती थी. तो ऐसे मेरे अनुभव है कि कैसे दादी मेरे को उठा देती थी ऐसे अपने वाइब्रेशन से. तो हमने देखा कि खड़ी होती थी दादी पैसे में, दादी का कमरा वहां, मेरा कमरा यहाँ, दादी आके सिर्फ खड़ी रहती थी कमरे से. तभी कोई और बहने नहीं थी, हंसा वो सब बाद में आए, पर दादी ने हमको बहुत प्यार से, हमने देखा प्यार से हमको चलाया. क्योंकि मैं लौकिक कपड़ा पहनती थी सेंटर में, मैं कभी साड़ी नहीं पहनती थी, क्लास में मैं साड़ी पहन लेती थी, फिर जब मेरे को काम पे जाना है मैं चेंज कर लेती थी, लौकिक कपड़े पहनती थी, और सेंटर में लौकिक कपड़े पहन करके दादी के साथ मैं रहती थी. फिर एक बार दादी ने मुझे कहा, मेरा एक आदत था जब मैं बैंक से आती थी तो सीधा मैं बाबा के पास, बाबा का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर, बहुत बड़ा क्लासरूम है, तो 5:15 बजे मैं आती थी, सीधा मैं बाबा के कमरे में जाती थी, वहां पर नीचे क्लासरूम था, दादी पीछे बैठी होती थी सेटी पर, और दादी का हमने देखा बहुत डिसिप्लिन. 4 बजे दादी दिन में योग करती थी, 4 से 5. जब दादी पुणे में थी तब बाबा ने, साकार बाबा ने दादी को कहा था कि अगर कोई भी विघ्न आता है सेवा में, अपनी स्थिति में, तो 4 बजे योग करो दिन में, 4 से 5. तो हमने देखा तब से दादी ने ये एक गांठ बांध ली. बाबा ने कहा ना, बाबा के महावाक्यों में बहुत बहुत दादी को जिगरी निश्चय. दादी ने कोई बाबा के महावाक्य को टाला नहीं है, हर महावाक्य को दादी रिपीट करके सुनाती थी और खुद अपने को उस पर चलाती थी. ये भी हमने देखा, वॉकिंग द टॉक. दादी कभी भी कथनी और करनी नहीं. बाबा का 3 दिन पहले ये ब्लेसिंग आया था कि बच्चे कथनी और करनी तुम्हारी समान होनी चाहिए, कथनी एक करनी दूसरी, ये नहीं होना चाहिए. तो दादी का हमने देखा कथनी और करनी दोनों समान. तो मैं जाके जब बाबा के फोटो के पास बैठती थी, बाबा को बहुत प्यार से याद करती थी, फिर मैं वहां से उठती थी तो पीछे देखो दादी है,
वहां बैठी है कोने में, दादी इतना डीप मेडिटेशन में, बाबा की याद में बैठी है, एकदम बाबा का जैसे आह्वान कर रही है, इतना अच्छा मेरे को अनुभव होता था। मैं दादी के पास जाकर के नीचे बैठ जाती थी, दादी तो यू बाबा को याद करती थी, फिर दादी जब आंख खोलती थी तो मैं वहां पर होती थी, मेरे को दादी दृष्टि देती थी। तो मैं भी ये कहूंगी कि मैंने भी जो भावना है ना, हमने दादी से बहुत सीखा, दादी के अंदर बहुत भावना। और दूसरा, दादी में भासना देने का एक बहुत बड़ा जैसे विशेष गुण था, दादी बहुत क्लोज हमको भासना देती थी। जैसे मुझे याद है टेनिसन रोड अर्ली डेज, बाबा भवन हम लोग 80s में 1981 में हम मूव हुए थे, तो उसके पहले हम टेनिसन में जहां पर दादी रहती थी 74 से लेके 79 तक 5-6 साल वहां पर रही। आज मणिबेन वगैरह वो एक्चुअली हिस्टोरिकल प्लेस हो गई, बहुत सुंदर, बहुत हिस्टोरिकल, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस, याद के वाइब्रेशंस। दादी कभी भी वहां पर कोई भी लौकिक बातचीत नहीं कर सकते थे। मैं जब नई नई बाबा के पास आई, हर संडे को हम लोग दादी के पास आते थे, एक घंटा दूरी पर रहते थे, हर संडे हम आते थे, तो हमने देखा वहां का वाइब्रेशंस ऐसा है, हम पांव रखते हैं जैसे हम उड़ जाते थे, एकदम अशरीरी हो जाते, एकदम पावरफुल वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन था। दादी ने इतना पावरफुल वातावरण बनाया वहां पर, पांव रखते ही जैसे बाबा के साथ योग लग जाए। मैं आपको ये बताऊं, और रियली ये मेरा अनुभव है, बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है, चार्ली ये लोग सब वहां से आए, डिनीस बेन सब टेनिसन रोड में पहले ज्ञान में आए। जिन भाई बहनों का आपने सुना, अंग्रेजों का भी पहले, तो जो बाबा कहते वातावरण बनाना, जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं उनका घर का भी वातावरण जैसे सेंटर का वातावरण, तो पहली ये बात। दूसरी बात कि दादी ने यहाँ आकर के वो सेवा की जो बाबा ने दादी को कहा था, दादी दीदी ने कहा कि बाबा आपको भेज रहे हैं लंदन में, वहां पर मधुबन का मॉडल बनाना है। बस ये शब्द जो है दादी के कानों में गूंजते हैं ऑल द टाइम कि मुझे लंदन में मधुबन का मॉडल बनाना है। आप समझेंगे, आप जब बाबा के कमरे में जाते हैं मधुबन में, हम लोग तड़पते हैं बाबा के कमरे में जाने के लिए। जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं, हमको ऐसी भासना आती है जैसे बाबा हमारे लिए बाहें पसार करके बैठे हैं, ऐसे फीलिंग आता है साकार में बाबा हमारे लिए बैठे हैं। इतना अच्छा फीलिंग आता है, जो हमारा दिल बाबा में इतना लग जाता है, हमारा दिल जैसे बाबा के पास ही रहता है। हम लोग मधुबन से भी वापस आते तो बाबा का कमरे में जा करके बाबा की दृष्टि लेकर के ही हम आते हैं। भले हम शांतिवन में है या कहां पर भी है, हम जरूर मधुबन जाएंगे, बाबा के कमरे में बाबा से छुट्टी लेंगे, फिर हम आएंगे, क्योंकि हमारे को इतना डीप फीलिंग है ये बाबा हमारे लिए बैठे हैं, बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। इसे हमने देखा यहाँ पर जो बाबा का कमरा टेनिसन रोड में ओम निवास, जिसका नाम दादी ने ओम निवास बोला, क्यों कि दादी है ना बहुत एंटरटेनर थी, एंटरटेनिंग, सबको हंसाती थी, कहती है कि अगर आप टेनिसन रोड बोलेंगे तो टेंशन रोड हो गया। टेंशन माना टेनिसन मीन्स टेंशन, आपको टेंशन रोड नहीं बोलना है, आपको ओम निवासी बोलना है। अगर कोई टेंशन रोड बोलते ना टेनिसन रोड, दादी कहती आपको टेंशन है इसलिए आप टेनिसन रोड बोलते हैं। ऐसे करके हम सबके जैसे मुख से टेनिसन रोड न निकले ओम निवास निकले, वो आदत पड़ जाए, तो दादी ने हम सबको आदत पाड़ी कि आपको ओम निवास, माना भवनों का नाम भी मधुबन के भवनों के साथ, क्योंकि मधुबन की ही याद रहे।
तो ये हमने देखा कि दादी ने क्या युक्तियां अच्छी अच्छी, जैसे मधुबन की याद रहे हर बात में, हमारा पूरा टाइम टेबल अमृत वेले से लेकर के रात तक का टाइम टेबल, जैसे कॉपी डिट्टो मधुबन, ऐसा टाइम टेबल हो। वही टाइम टेबल हमारे सब गृहस्थी भाई बहन, जो गृहस्थ में रहने वाले, दादी एक एक के घर में जाती थी, पक्के बाबा के युगल बच्चे ज्ञान में चल रहे, उनके बच्चे भी है, वो भी छोटे थे, परंतु दादी ने सबको ऐसी पालना दी, हमने देखा कि वो सब जैसे बाबा के बच्चे जैसे सेंटर में रह रहे, उनका घर जो है बाबा का घर है, किसी के मुख से ये नहीं निकलता है कि मेरा घर है, कभी नहीं, ये बाबा का घर है, बाबा की कार है, ये बाबा का है, यू नो, ये बाबा के बच्चे हैं, ये उनके मुख से ये निकलता है। तो ये हमने देखा कि दादी ने हड्डी सबके अंदर बाबा जैसे इंजेक्ट कर दिया, सबके मुख से बाबा निकले, सबके दिल में बाबा है, सबके घर में बाबा है, सबकी कार में बाबा है। ये बहुत बड़ी विशेषता थी दादी की कि जहां पर भी आप जाओ सब सिस्टम मधुबन की, तो मधुबन की जितनी सिस्टम बनाई तो बाबा की याद सहज हो गई। ट्रैफिक कंट्रोल, भोग लगाना, थर्सडे को इतना विधि पूर्वक भोग लगाना, जो वेनसडे के दिन सब सफाई करते, सब भाई बहन विदेश में इतनी अच्छी सफाई करते, क्योंकि यहाँ पर तो भाई बहन जो सेंटर चलाते वो नौकरी करते या अपना धंधा भी करते हैं, पर बाबा की सेवा भी करते, डबल सेवा करते हैं, जो बाबा मुरली में कह रहे हैं ना, बिल्कुल राइट, वो डबल सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे डबल सेवा करते, लौकिक सेवा भी करते हो, परंतु साथ साथ आप लोग धन से भी बाबा के भंडारे में डालते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, तो वो भी आपका भाग्य बनता है। तो हमने ये देखा कि दादी जो है एक एक के ऊपर इतना अटेंशन देती थी कि मुरली क्लास के बाद 8 बजे हमारी मुरली पूरी होती थी, पहले हमारा क्लास होता था 6:30 से 7, फिर 7 बजे मुरली, फिर हमने चेंज किया, दादी ने कहती 6:30 बजे मुरली, मधुबन जैसा टाइम टेबल, चलो 6:30 बजे मुरली, फिर 7:15 तक हमारी मुरली चलती है, फिर उसके बाद हम लोग क्लास करते, फिर हमारा इंग्लिश क्लास, फिर हमारा तमिल क्लास, सब लोग एक क्लास में आ जाते हिंदी क्लास के साथ, फिर दादी का क्लास हिंदी में होता है, दादी हिंदी बोलती है, फिर ट्रांसलेशन होता है, जैसे मधुबन में ट्रांसलेशन होता है वैसे ट्रांसलेशन होता है, सब भाई बहन सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है, ऐसे ही लगता है जैसे हम मधुबन में बैठे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जितना जितना हम बाबा के बच्चे, जितना जितना बाबा और मधुबन, जितना मधुबन को हम अपने जीवन के अंदर जहां पर भी हम रहते हैं, जितना हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म देंगे, सारी दिनचर्या, परंतु सिस्टम्स, हमारी जो मर्यादाएं है मधुबन की तरफ, पूरा हमारे सेंटर में या कहां भी टेलीविजन नहीं है, आप बिलीव करेंगे, दादी का ये बहुत कहना था, मैं दादी को कहती थी दादी मुझे न्यूज देखना है, तो दादी मुझे उन दिनों में कहती है तुमको न्यूज देखना है तो वहां सामने एक परिवार रहते हैं हमारे घर के सामने, तो आप वहां जा करके देखो, तो कभी कभी ऐसा कुछ होता था माहौल, तो मुझे न्यूज देखना है तो मैं वहां जाके देखती थी, फिर मैं खुद ही कम जाती थी, ज्यादा नहीं जाती थी, पर मेरे को भी अंदर से संकल्प आता था क्या देखना है, बाबा ने तो कहा है सब कुछ। तो किसी को भी टेलीविजन की आदत नहीं, कभी संकल्प ही नहीं, जो हमको समय मिले, दादी ने हम लोगों को सिखाया बाबा की याद में बैठो, स्टडी करो, या आप किसी को बाबा का ज्ञान सुनाओ। कितने भाई बहन हैं वो अभी तक इतना नजदीक नहीं आए हैं, उनको आप उनका दिल लो, उनको बाबा का ज्ञान के ऊपर आप चर्चा करो,
तो दादी हम लोगों को एंकरेज करती थी कि आप फोन पर, क्योंकि यहाँ फोन का ज्यादा था उन दिनों में, फोन पर सारा दिन सब ज्ञान सुनाते लोगों को। अभी तो सब चेंज हो गया है, हम लोग इंटरनेट है, इस कारण से समझो स्काइप है, व्हाट्सएप है, अभी जूम है, पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक चलता है तब तक पूरा टेक्नोलॉजी का हम भी फायदा लेते हैं। सबको बाबा का संदेश पहुंचाना है, और दादी का बहुत अटेंशन होता था, कितना भी व्यस्त होते हुए भी टाइम टेबल ऐसा बना हुआ हो, हर रोज कोई न कोई नवीनता। ये रियली अमेजिंग बात है, नवीनता खुद के पुरुषार्थ में, नवीनता बाबा की सेवा में, और नवीनता जो है बाबा के बच्चों के अंदर। हमेशा दादी ध्यान खिंचवाती थी, आज मैंने कौन सी नई बात किया। दादी रात को कभी कभी चार्ट लिखती थी, हम शुरू में तो रिसर्च चार्ट लिख करके दादी को दिखाते थे, फिर दादी देख करके करेक्शन भी देती थी। अभी तो बाबा कह रहे हैं कुछ समय से तुम बच्चों को ये नोट करना है, तो हमने ये देखा कि बाबा हमको कहते हैं जब कोई बात अपने चार्ट में नोट करना है, माना वो बात इतना इम्पोर्टेंट है जो हमको मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात नोट करने की है। कौन सी बात? कि बाबा की याद से आत्मा के ऊपर जंक है वो उतरेगा। नहीं, बाबा ऐसे तो बहुत बारी कहते हैं, परंतु उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा की याद से आत्मा के ऊपर जंक है वो उतरेगा, और आत्मा पावन बन जाएगी, सत्व प्रधान बनेगी। बाबा कहते हैं नोट करने की बात है। तो ऐसी ऐसी बातें दादी रिपीट करके क्लास में सुनाती थी बाबा के महावाक्य। तो हमने देखा कि दिन भर में बाबा के हर महावाक्य को बार बार दादी दोहराती थी। अलग 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 व्यक्ति दादी के सामने आते थे मिलने के लिए। दादी 3 बजे तक सबको मिलती थी, मैं दादी के साथ ही होती थी, मेरा भाग्य था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने देखा घड़ी में, मैं देखती हूँ 3 बजा है, तो 3 बजे दादी फिर आती है डाइनिंग में, सब चले गए हैं। हम दादी के साथ बैठते थे, दादी को हम भोजन गरम करके दादी को साथ में बहन के साथ खिलाते थे, जो भी बहन होती थी, और मैं वहां बैठती थी, और दादी मैंने देखा पूरा बाबा की याद में भोजन खा रही है। इतना थोड़ा खाती है, दादी का भोजन भी बहुत कम था। फिर दादी जाती है, फिर बाबा भवन में तब रहती थी, जहाँ चारू बहन है ना, वो बाबा भवन है, टेनिसन रोड के बाद, ओम निवास के बाद वो बाबा भवन है। जैसे कराची में बाबा भवन था ना, जहाँ बाबा रहते थे, तो दादी को सब नाम यज्ञ के, क्योंकि बाबा की स्मृति आती है, बाबा भवन दादी जाएंगे। तो ग्लोबल हाउस से जब दादी जाती थी ना, तो बीच में स्टेयरकेस है, तो दादी को याद आता था कि बस ऐसी ही स्टेयरकेस, जहां वो रहते थे कौन से निवास में, वहां ऐसी स्टेयरकेस थी, तो बाबा स्टेयरकेस के ऊपर ही, सीढ़ियों के ऊपर बाबा खड़े रहते थे, और बच्चे सब नीचे बैठ जाते थे, छोटे थे ना, सब नीचे बैठते थे, और बाबा ऊपर ऊपर खड़े रहते थे, और बाबा ज्ञान सुनाते थे। इतना अच्छा, दादी कहते हम लोग ऐसे सुनते घंटे घंटे बीत जाते थे, पता भी नहीं पड़ता था, हम ऐसे ही खड़े रहते एक एक दो दो घंटा, फिर हम लोग समझते। कुंज भवन की बात कर रहे हैं? हाँ, कुंज भवन राइट, कुंज भवन की आप बात कर रहे हैं। या तो दादी बता रहे, कभी कभी बाबा कहते चलो बच्चिया आप सब बैठ जाओ, अपना पाँव ऐसे करो, फिर सब ऐसे बैठते, दादी डेमोन्स्ट्रेट करती है, हम लोग तो नीचे नहीं बैठते हैं, फिर सब पाँव दिखाओ, तो बाबा कहते बच्चे आप तो देवता बनने वाले हो, तो आपके पाँव कितने साफ होने चाहिए, कितने क्लीन, इसकी तो पूजा होने वाली है। बाबा ऐसे करके सिखाते थे कैसे अपने पाँव को क्लीन रखो।
तो ये सब दादी यज्ञ की शुरू शुरू की बाबा की कई बातें हम लोगों को सुनाती थी, इतना अच्छा लगता था। दूसरा कि मुझे याद है कि जब नैरोबी से निजार भाई आए थे पहली बार, तो निजार भाई ने तो दादी के बारे में बहुत सुना है। तो यहाँ सुखधाम है जहां मैं रहती हूँ, 1 मिनट दूरी पर। तो जब ये ग्लोबल हाउस 90 में बन रहा था, 91 सितंबर में इसका ओपनिंग बड़ी दादी ने किया था, दादी गुलजार ने इसका फाउंडेशन डाला था। हमारे शील दादी जो है गाम देवी में थी, शील दादी यहाँ रही थी हमारे साथ, नियरली 1 साल रही थी। तो उन दिनों की बात थी, आई थिंक इट वॉज 88-89 की बात है। तो शील दादी ट्रांस में जाती थी और शील दादी एक्यूरेट मैसेज लाती थी और दादी को सब सुनाती थी। ये जो स्थान था ना, वो ग्लोब गेट हाउस था, ट्रैवल एजेंसी थी, ऑफिसेस थी। तो हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं था, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, बस हम और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे और क्या करेंगे। इतना बड़ा 4 मार का, मीनिंग 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग का कोई संकल्प भी दादी को नहीं था। पर शील दादी जब मैसेज लाती थी, सब दादी को सुनाती थी। दादी कहती वेट एंड सी, वेट एंड सी, कभी ना नहीं बोलती थी, वेट एंड सी, क्योंकि उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं हमारे पास। परंतु बाबा में इतना निश्चय दादी को, बाबा बैठा है, बाबा करण करावनहार है, बाबा करता है, बाबा कराता है, मुझे क्या करना है। बस दादी ये हम लोगों को सुनाती थी, मुझे क्या करना है, बाबा जो कहते हैं वो मुझे करना है, बाबा की जो श्रीमत है बाबा की श्रीमत पर मुझे चलना है, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो दादी ऐसे जैसे लाइट वे में हर बात को, जैसे बातें आती थी उसका सामना करती थी। दादी भारे कभी नहीं होती थी, हमने दादी को कभी भारे नहीं देखा। ओके और बहुत सारी यहाँ कारोबार की बात होती, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे उन दिनों में। और हम रमेश भाई को बहुत बुलाते थे बॉम्बे से, क्योंकि रमेश भाई हमको मदद कर रहे थे पूरा सिस्टम बनाने में। हमारे पास ऐसे कोई भाई बहन नहीं थे अभिज्ञान में, तो रमेश भाई जब यहाँ पर आते थे तो रमेश भाई ने बहुत सहयोग दिया, बहुत सपोर्ट दिया दादी को। हर रोज दादी को फोन पर रमेश भाई के साथ बात करना है। हमने देखा संबंध यज्ञ में जो मुख्य मुख्य भाई बहने हैं उनके साथ बहुत अच्छा संबंध, ताकि बाबा के कार्य में कोई भी ऐसी बात आवे तो उनको दादी आगे रखती थी। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी पर बहुत इन्फॉर्म्ड। हेलो भाई, जयंत भाई। हाँ जी। सूचे कि आप बैटरी खरी ने कैमरा नी डिस्चार्ज थई गई, हवे एनु जे चार्जर छे ने ते ओडी टू आपका आवाज बंद हो गया, वीडियो भी पॉज हो गया। जेमिनी बेन आप बोल रहे हैं ऐसा माइक्रोफोन से मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन ऑडियो आउटपुट आ नहीं रहा है आपका। अच्छा। हाँ, 5 मिनट्स के लिए ये बैटरी काम करेगा, वो कुछ लेने गया है साशा। okay. साशा हमारा आईटी का भाई है। okay. वो पूरा मधुबन का आईटी देखता है। अच्छा। वो रशियन है, बहुत इंटेलिजेंट भाई है। और वो कहता है मैं आता हूँ कुछ लेने के लिए, ये बैटरी जो है ना नियरली डिस्चार्ज हो गई, तो 5 मिनट इसने चार्ज किया जी। अच्छा क्या है जयंती भाई, मेरे पास है ना
बहुत अच्छे अच्छे दादी के अनुभव है। मैं सार में ये बताऊ, दादी को हर पल बाबा, जो बाबा से सीखा है, जो बाबा ने सिखाया है, वो हम लोगों को दादी बोल के सिखाती थी। यज्ञ की सब कहानियां, एक एक कदम कदम पर सुनाई देता है। आने पर जब दादी बैठती थी, मैं आपको क्या सुनाऊं, क्योंकि 10 साल में दादी के साथ रहे। खाने पर दादी बैठती थी, जब दादी पानी पीती थी, राइट, दृष्टि दे करके पानी पीती थी, एक एक बात सिखाई है। बैठ के पानी पियो, बा याद है, बातें करते हैं तो दादी कई बार कई बहनों को बोलती थी कि मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, मेरे से ऐसे बात नहीं करो, बैठो इज्जत से बात करो। वो रश में होते थे ना, रश रश में बोलते थे, नहीं करती थी, बैठो, बैठ के सोल कॉन्शियस होकर के बाबा को याद करो, फिर बात करो, समझा। ये प्रैक्टिकल बात हमने सिखा, दादी ने सिखाया। हम दादी को पास्ट की बात करते थे ना, दादी नहीं सुनते थे। दादी अभी की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात पास्ट हो गई, भूल जाना है, हो गया ना, अभी फिनिश। फिर कई बार दादी कहते, कईयों को पास्ट का बहुत दुख होता था। अच्छा दादी कहते, आप बताओ क्या सीखा पास्ट से आपने, कौन सा लेसन सीखा। फिर उनको सोचने में एक मिनट लगता था, जब तक वो सोचे दादी उनको दृष्टि देती थी। जब तक वो दृष्टि लेवे तब तक उसमें इतना शक्ति आ जाती थी, दादी उसको नई बात सुना देती थी, वो खुश हो जाते थे। ऐसे एक एक की पालना किया, एक एक की पालना किया। फिर ब्रह्मा बाबा का ये जो फोटो है ना, दादी जब जाती थी ना किसी के घरों में भी, बाबा का फोटो कहाँ लगाया है। फिर दादी सिखाती थी कहाँ पर लगाना चाहिए बाबा का फोटो, भंडारे में बाबा का फोटो होना चाहिए, बेडरूम में बाबा का फोटो कहाँ होना चाहिए, सिटिंग रूम में बाबा का फोटो कहाँ होना चाहिए, कैसा फोटो होना चाहिए, ऐसे दादी सब सिखाती थी एक एक बात। और जो गृहस्थ में रहते हैं उनको तो कितनी बातें दादी बताती थी। तो यहाँ लंदन से एक्चुअली शुरू किया कि हमारे गृहस्थ रहने वाले भाई बहने जो है ना, सब टीचर क्वालिटी, सबको ज्ञान बोलना दादी ने सिखा दिया। क्योंकि सुबह को क्लास में सब यहाँ आते थे, दिन में 10 बजे का भी क्लास होता है, 1 बजे का भी क्लास होता है, 1 से 3। फिर हमारे एक प्रभा बेन है, पारुल है, उनके घर में सब आजू बाजू के सब आते, दादी ने सब शुरू करवाया। कितने साल हो गए, सब जगह क्लासेस। और वही माताएं जिनका मुख कभी नहीं खुलता था, वो कोर्स कराते हैं, वो क्लास कराते हैं, टीचर क्वालिटी सब बन गए। फिर दादी कहते शाम को हर एरिया में शाम को एक बाबा का जरूर टॉक होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, मतलब पब्लिक के लिए, एक एक एरिया में। आज हमारा मंडे टू संडे, एक दिन में दो दो तीन तीन स्थानों पर एक तो क्लासेस भी होते हैं और टॉक्स भी होते हैं पब्लिक के लिए, अलग हॉल लेकर के, लाइब्रेरी के हॉल्स लेकर के आप प्रोग्राम्स करो। फिर दादी क्या कहती है कि मास में एक बारी या 15 दिन में एक बारी आप लोग हॉल हायर करो, अपने काउंसिल हॉल हायर करके दादी को बुलाओ, दादी आएगी। और दादी जाती थी, हम दादी के साथ चलते थे। तो पूरा 40 वर्ष दादी यहाँ रही, एक दिन भी फ्री घर में नहीं बैठी, और हमने हम लोगों को भी नहीं बिठाया।
भगाती थी, चलो जेमिनी वीकेंड आया एक्सिबिशन, कहाँ करना एक्सिबिशन, फिर पूरा टीम हमारे साथ बैठ के बनाती थी, पूरा सेवा में मार्गदर्शन देती थी। अच्छा नवरात्रि आ रही है, अभी क्या करना है, अभी सब देवियों की वो भट्टी करनी है, माना योग भट्टी करनी है, नवरात्रि आ रही है ना, 9 देवियों को सजाना है, माना हमारी 9 बहनें, दादी कहती भले व्हाइट साड़ी पहने, सब योग तपस्या में। फिर दादी ने ऐसे झलक किया एक बारी, सब योग तपस्या पूरा हो भर गया भाई बहनों से। तो दादी यहां होती थी ना तो अलग अलग आइडियाज देती थी क्या करना है। सो उमंग उत्साह ऑल द टाइम, कभी भी दादी कहते सोडा वाटर नहीं होना है, हंसती थी दादी। अगर थोड़ा ठंडा हो जाते थे ना, कोई 2 दिन के बाद आते थे ना, दादी क्लास में बुलाती थी सबके सामने, नाम लेके हंसती थी, देखो क्या हो गया, सोडा वाटर हो गया, ऐसे करके हंसती थी दादी, सब लोग हंसते थे, मजा आता था। दादी सब कुछ क्लास में सुना देती, जिसका जो भी है क्लास में सुनाएगी, इतना अच्छा लगता था। तो ये बात है घरेलू फीलिंग, अपनापन की भासना, ये सब बातें हमारे सारे यूके के परिवार को एकदम दादी के नजदीक लाया, और दादी जो भी कहे सब करने के लिए तैयार, पूरा हर सेवा में सहयोगी, तन मन धन से। हमारा प्रोजेक्ट है, मधुबन हमारा है, ओआरसी हमारा है, हैदराबाद हमारा, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, हॉस्पिटल आया, कुछ भी आया, सबको सफल करना दादी ने सिखाया, कैसे सफल करना, एक एक पेनी बाबा के यज्ञ में राइट वे में सफल हो। पूरा बीज डलवाती, अच्छा इनका बीज पड़ा, इनका बीज दादी से समझाती थी यज्ञ में, कर्म की गुह्य गति का क्या दादी क्लास कराती थी हम लोगों को, कि हमारा दादी का जो टाइम टेबल है ना, आई टेल यू ऐसे चलता है, मैं 3 बजे नहीं खाती हूँ, परंतु अगर मैं भोजन जल्दी भी खा लेती हूँ तो भी मैं यहाँ पर हाउस में अपनी सेवाएं कर रही हूँ, 3:30 बजे 4 बजता है फिर मैं घर जाती हूँ। अच्छा। फिर मेरा टाइम टेबल है, घर जाऊंगी कुछ काम करूंगी, फिर रेडी होकर के मैं वॉक पर जाऊंगी, 1 घंटा वॉक करूंगी। दादी ने हमको ये बताया है, वॉक किया पूछेगी। सो दादी का भी ध्यान रहता था कहाँ तक हम वॉक करते हैं, कहाँ तक हम अपना ध्यान रखते, नहीं तो दादी कहती फेल, अगर आपने सब किया अपना ध्यान नहीं रखा तो फेल। तो दादी हमको कई बातें ऐसे बैठ के सिखाई है। मुझे याद है एक बारी मैं नियोग गई थी, पहली बार हम लोगों का वहां रिट्रीट था। आपका वीडियो ऑफ हो गया? हाँ, क्योंकि ये कैमरा, वो जो बैटरी है ना, वो खत्म हो गई, तो वो भाई बात है। गया मैं, बोला ठीक है। तो मैंने सार रूप में, हम जब वहां पर गए ना तो क्या होता था उन दिनों में, वेस्टर्नर्स है ना बहुत करके ब्रेड, यहाँ हम लोग चपाती खाते हैं ना, वो लोग ब्रेड खाते हैं, आदत होती है ब्रेड की, हमारे पास भी ब्रेड बनती है, जैसे मधुबन में बनती है ना ब्रेड। तो बड़ी दादी ने एक्चुअली ये आदत डलवाई मधुबन में, जब फॉरेनर्स ने आना शुरू किया ना, दादी ने सबको हाथ खड़ा करवाया, बच्चे बच्चे बहुत थे, यंगस्टर्स बहुत थे, तो ब्रेड नहीं होती थी मधुबन में, तो रोटी सब लोग नहीं खा सकते थे, तो दादी ने पूछा क्या खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, सबने ताली बजाई। फिर दादी ने बोला चिप्स खाएंगे, सबने ताली बजाई। फिर दादी ने कहा आइसक्रीम खाएंगे सबने, हम सब यंग थे तभी, बड़ी दादी ने। तो दादी ने एक भाई को बोला आप सीख जाओ ब्रेड बनाना, तो ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। हम लोग जब शुरू शुरू में गए थे मधुबन में तब ब्रेड नहीं होती थी, दादी जी ने बहुत सब फॉरेनर्स का दिल लिया, क्योंकि काफी यंग फॉरेनर्स थे जो लोग
ब्रेड, कभी चपाती नहीं खाते, हमारे जैसा जो हम लोग दाल सब्जी खाते वो लोग नहीं खाते ऐसा, तो इनको ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, चीज चाहिए, सब चाहिए इनको। तो दादी ने सब धीरे धीरे शुरू करवाया यज्ञ में। तो दादी जानकी ने हमने ब्रेड खाया अमेरिका गई तो तो मेरे को तो बहुत नुकसान हो गया। मैं दादी को आके बोला, ओ मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ। मैं दादी को सब कुछ बताती थी, मैं बोला दादी ये हुआ वो हुआ। दादी कहती तुम ना क्यों नहीं किया कि मैं नहीं खा सकती हूँ, जरूरी थोड़ी है कि खाना ही है सामने है तो आप कह सकती हो ना मेरे को ये सूट नहीं करता है। क्योंकि हमने तो दादी से ऐसे ही सीखा है, जो मिले हाँ करना है, ना नहीं करना है। तो फिर दादी ने समझाया हमको, सिखाया, अगर कोई बात आपको सूट नहीं करती है तो आप बोल सकते हो कि कोई अल्टरनेट है तो वो आपको बना के देंगे या आपके लिए प्रबंध करेंगे। तो ये हमने दादी से सीखा कितने साल के बाद कि हाँ हम कह सकते हैं, नहीं तो हमारे सामने जो है ऐसा हमको ट्रेनिंग मिला है, बाबा का ब्रह्मा भोजन है, हमको वो खाना है, कुछ नहीं बोलना है। ये हमने ये सीखा था। परंतु हर एक का अपना हेल्थ है। फिर दादी को हमने देखा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं सुनाती हूँ कि दादी जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट थी दादी। तो मैंने तो दादी का वो स्ट्रिक्ट देखा है रूप, परंतु दादी है ना बहुत रहम दिल है, बहुत बड़ा दिल है दादी का, बहुत प्यार है उनके अंदर आत्माओं के लिए, ये मैंने अनुभव किया है। तो मेरे अंदर बहुत डीप छाप लगी है, कुछ भी दादी बोले मेरे को नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दादी तो बहुत प्यार की जैसे सागर है, दादी बहुत रहम दिल है, दादी जो कहती है ना दादी को बहुत शुभ भावना है। ऐसे करके हर बात हमने जैसे दादी की एक्सेप्ट किया क्योंकि दादी बहुत रहम दिल है। तो मैं हमेशा ये कहती थी कुछ भाई बहनों को कि जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि भगवान जो है जैसा है ऐसा भगवान को जानने वाले बहुत कम है, कोटों में कोई जानते हैं, वैसे दादी को भी, दादी जो है जैसी है उनको भी जानने वाले बहुत कम है, हैंडफुल है। और मुझे नाज होता था कि मैं दादी को कहां तक समझी हूं, मैं दादी को कहां तक समझी, दादी भी देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि दादी डायरेक्ट फेस पर कहती थी, दादी को हिचक नहीं होता था, हक समझती थी क्योंकि पालना करते ना हक समझती है, हम समझ सकते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे याद एक बार हम मधुबन में, जब मधुबन गए ना तभी मैं दादी का संभाल करती थी, मैं दादी के साथ होती थी 86 के बाद, 86 में मोस्टली दादी के साथ ही होती थी। फिर बाद में दादी जी ने, प्रवीणा बेन आई तो दादी ने मुझे कहा इसको ट्रेन करो, फिर मैंने प्रवीणा को ट्रेन किया दादी का लुक आफ्टर करने का मधुबन में, जो मैं जाती थी फिर उसको वहां वो रहती थी तो उनको ट्रेन करके फिर मैं मधुबन में 3-3 मास जो रहती थी ना, फिर मेरा वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर मैं लंदन में, दादी जब मधुबन जाती थी तो मैं नहीं जाती थी, या जाती थी तो 1 मास के बाद मैं वापस आ जाती थी। फिर 86-87 में हंसा आई, हंसा जो दादी के साथ है। फिर यहाँ लंदन में हंसा को हमने ट्रेन करके हैंड ओवर किया क्योंकि मेरा कारोबार बढ़ गया और मैं और कारोबार में ध्यान देती थी। सारा हमारा बहुत सारा ग्लोबल हाउस बना तो हम पब्लिकेशंस, हमारा पीआर, फिर हमारा यू नो विजिटर्स आते थे बहुत सारे, उनका प्रोग्राम्स बनाना, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम्स, टॉक्स, काफी कारोबार में एकदम व्यस्त हो गए हम। तो फिर दादी को हंसा देखती थी, हंसा रिसेप्शन संभालती थी, कोई भी बहन एक ड्यूटी नहीं करती, 10 ड्यूटी करती है ग्लोबल हाउस में अभी भी, सबको सब कुछ करना है, दादी ने सिखाया।
तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, पर दादी हमेशा ध्यान खिंचवाती थी योग योग योग, ध्यान दो सब अपने योग पर, चार्ट रखो, साइलेंस में बैठो, बाबा के महावाक्य को कितनी बार बुद्धि में दोहराया है दादी पूछती थी। हमारा शाम को एक्चुअली अभी क्लास होता था ना, पहले प्रोग्राम्स होते थे, पब्लिक प्रोग्राम्स होते बहुत सारे, वीआईपी मीटिंग्स होता था, दादी इवनिंग में ऑलवेज बिजी होती थी। फिर धीरे धीरे दादी ब्राह्मणों का क्लास शुरू हो गया, प्रोग्राम्स कम हो गया, प्रोग्राम्स का लेवल चेंज हो गया, हमने देखा सब ट्रांजिशन हुआ है, चेंजेस हुआ है। फिर दादी सब के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, तो टीचर का रूप बदल के दादी का एकदम फ्रेंड का रूप हो गया, क्योंकि अभी जो बाबा के पास आने लगे ना भाई बहने, वो सब एकदम डिफरेंट वैरायटी के, दादी ने उनकी नब्स को पकड़ लिया, दादी ने अपने को बहुत मोल्ड कर दिया, बहुत चेंज कर दिया, बहुत चेंज हो गई दादी, एकदम फ्रेंडली हो गई, एकदम जो स्ट्रिक्ट थी वो थोड़ा कम हो गई, दादी एकदम सॉफ्ट हो गई, दादी जो पहले स्ट्रिक्टनेस से बोलती थी ऐसा नहीं बोलती है, एकदम रूपरेखा चेंज हो गई। फिर जब फॉरेनर्स मधुबन में हम लोग जाते थे ना, तो कई फॉरेनर्स दादी सबको मिलती थी, एक 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 को लाइफ कहानी उसका जो भी है सब सॉर्ट आउट करने के लिए, सब डायरेक्शन से चलते हैं, एक एक बात पूछते हैं क्या करे क्या करे। तो फिर दादी कुमारका को, दादी कुमारका दादी को बोलती है कि दादी सब लोग ऐसा कहते हैं, तो दादी कहती है हम दादी को लेके हम वॉक करके आ रहे थे इंद्रप्रस्थ में, तो दादी ने कहा ऐसा समय आएगा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी। माना कि दादी भले इतना स्ट्रोंग थी, इतना रहम दिल थी, प्यार का सागर थी, पर साथ साथ दादी का बहुत सॉफ्ट था दिल, बहुत सॉफ्ट था, दादी को बहुत फीलिंग होता था किसी के लिए भी, दादी जल्दी फील करती थी, कोई दुख थोड़ा भी फिजिकल ठीक नहीं है दादी बोलती बेचारे को इधर बुलाओ, इनकी यहाँ पर दवाई करो, ये डॉक्टर को दिखाओ, दादी खुद बोलती थी फोन करो, दादी को इतना होता था उनके लिए, ये जो मदरली फीलिंग है वो बहुत थी दादी के अंदर। तो हमने ये देखा है दादी का कि दादी बहुत रहम दिल, बहुत प्यार की सागर थी, और दादी लास्ट में साक्षी, ऑब्जर्वर, डिटेच्ड ऑब्जर्वर, कहती है हरेक का अपना कर्म, मुझे क्या करना है। फिर दादी ने किसी के बारे में सोचना बंद किया, डिटेच हो गए दादी, एकदम डिटेच। तो ये स्टेजेस थी दादी की जो हमने देखा अंत तक, फिर एकदम डिटेच हो गई दादी, किसी की बातों में नहीं आती थी, उपराम हो गई, एकदम उपराम। अगर दो बहनें हैं उनकी नहीं बनती है, दादी बिल्कुल इंटरफियर नहीं करती है। कभी कभी किसी को होता है कि दादी क्यों नहीं बोलती है, दादी को बोलना चाहिए, परंतु दादी को मालूम है क्या करना है। इनका अगर हिसाब किताब है, अगर उन्होंने बना लिया है, तो दादी कुछ भी नहीं कर सकती, उनको ही सॉर्ट आउट करना है, दादी नहीं आती थी बीच में। ऐसे इतनी सारी बातें कदम कदम पर, प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें जीवन में हमने दादी को, जैसे वो स्वरूप बन करके दादी चली, वो हमने अनुभव किया, देखा और जाना। और मैं भी अभी देखती हूँ कि हमारे ऊपर भी उतनी जिम्मेवारी है जो हमने दादी को देखा, दादी को जाना, दादी के अंग संग रहे, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमको भी उसका स्वरूप बन करके रिटर्न बाबा को देना है, जो दादी कहते हैं ना फरिश्ता बनना है, ये हमने नक्की किया हमको क्या करना है, फरिश्ता बनना है, डिटेच बनना है रियली, और उपराम रहना है,
बाबा के साथ रहना है, रियली हमेशा बाबा की स्मृति, हर कदम में बाबा 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 इतना याद रहे, हर श्वास में बाबा याद रहे, तो हमारा जीवन सफल है। मेरा ये अनुभव है लाइफ का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर दादी का साक्षात्कार करा दिया आपने। इतना अच्छा वहां का मधुबन, लंदन का मधुबन दिखा दिया आपने। और अपने जीवन को भी उसी मार्गदर्शिका पर चलाने का भी लक्ष्य हम सबको भी दे दिया। सचमुच ऐसे आप बता रहे थे तो लगता था दादी हमारे नजर के सामने है, ऐसा लग रहा था। हम बहुत सब खुश हुए हैं, सब खुश हुए हैं ना। हाँ, हाथ खड़ा करके दिखा दो। ओम शांति। हाँ तो बहुत बहुत अच्छा। अभी आप तो सारी विश्व सेवा में उपस्थित हो, लेकिन फिर भी बड़ौदा भी अपना घर है, तो बड़ौदा में भी जरूर आपको पधारना है कभी ना कभी। तो भले मधुबन में तो आते हो। जी जरूर आएंगे। हाँ। आएंगे, आपको मिलेंगे, मधुबन में भी मिलेंगे। आप भी कभी लंदन आओ, यहाँ चक्कर लगाओ, पिकनिक स्पॉट से ये सब। बाबा कहते ये भारत, ये भारत ही स्वर्ग बनेगा, कैसा भी है अविनाशी खंड है। हमारे यहाँ से भूपेंद्र भाई है, भूपेंद्र भाई आपके पास। हाँ हाँ, जेनेता और भूपेंद्र, वो सुनते होंगे, वो सुनते होंगे अभी जूम पर। उन्होंने कहा यहाँ भी एक हसुबेन जाते हैं, बहुत बोलते हैं, आप पहचान, आपका नाम बहुत लेते हैं, हसुबेन। हाँ हसुबेन, प्रभा बेन के पास जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हसुबेन रेंटली में, उनकी बेटियां पहले तो आती थी आपके साथ मधुबन में, आई थी सुरभि और देवयानी। सुरभि, हाँ सुरभि और देवयानी। हाँ, बड़ौदा के हैं वो भी, काफी है बड़ौदा के यहाँ पर। अभी कम आते हैं, पर देवयानी तो अभी आती है, कहा कुछ कौन सा है वहाँ नाम तो किसका लेते हैं, कोई परिवार है वहाँ भी, कोई सुरेंद्र भाई या कुछ है उसका ही मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक मिनेश भाई के साथ जो बहन बैठी है उसका मैं परिचय कराऊं आपको। अच्छा, आपको दिखाई देते हैं? हाँ दिखाई देता है। हाँ, दे ये मिनेश भाई की युगल है, हिमानी बहन। अच्छा, हिमानी तो पढ़ी लिखी है, एमबीए किया है। अच्छा, उनका तो परिचय रह जाता है, मिनेश भाई के, मिनेश भाई का परिचय होता है। अच्छा, देखो ये है मिनेश भाई और हिमानी बेन, और बहुत सेवा करती है सारा दिन। ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो उसका फाउंडेशन उनके पास है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। उनका बच्चा भी है, वो फॉरेन में है, केनेडा में गया है, सेवा के पर्पज से भी गए हैं। अच्छा अच्छा, वैसे पढ़ाई के कल आगे लग के गया, लेकिन सेवा अभी 5-6 महीने में ही दो तीन स्टूडेंट आते हैं, वो पढ़ाई भी करता है और सेवा भी करता है। कहाँ पर, कहाँ पर है? कनाडा में। अच्छा, कनाडा। मिनेश भाई पूरा बताओ डिटेल्स। कनाडा न्यूफाउंडलैंड सेंट जॉन्स में है, और हैलिफैक्स जो जूडी बेन है। हाँ हाँ, कनेक्शन एरिक भाई और जूडी बेन के कनेक्शन। हाँ, जूडी जॉनसन। हाँ, पहला स्थान समझो, कभी सेवा नहीं हुई है वहाँ, तो जूडी बेन का बहुत दिल था, और समझो बाबा ने यहाँ हमको संकल्प दे करके जूडी बेन का संकल्प वहाँ पूरा करवाया, तो न्यू कॉल नहीं हुई थी तो अब शुरू हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कनाडा में तो अच्छे भाई बहन है हमारे। जी, अभी कनाडा के भी एक हमारे है, न्यूफाउंडलैंड में गए थे, न्यूफाउंडलैंड। अच्छा, तो चिंती भाई आप लोग कभी आएंगे यहाँ पर? अच्छा, तो आए मिनेश भाई। हाँ जी बोलो मिनेश भाई, आप लोग कभी आएंगे? जब आप बोलो, जब भी आपका खुला है, बाबा का घर दर खुला है, जब भी आओ, आपको वेलकम है, वेलकम है। जरूर जरूर। और एक बात मैंने आपको सौंपी, चारू बहन से आप बात कर लेना जी, का जरूर रखना है, वैसे मेरी बात हुई तो है। अरे माता जी कुछ कहना चाहते हैं कब से? माता जी आप अनम्यूट करें,
कब से शायद आपसे कुछ जैमिनी बहन कहना चाहते हैं। हाँ बोलो माता जी, अनम्यूट करें पहले आप, ये न्यूयॉर्क से है शायद आप जानते हैं। सरोज बहन, सरोज बहन, हेलो जैमिनी बहन, सरोज मासी को। મને ઓરખાન પૈડી, સરોજ માસી કેમ છો તમે, ક્યાંથી ક્યાં ઘર છો તમે? ન્યુજર્સી, આપણે આવ્યા હતા, ન્યુજર્સી માં છું મેં। ઓકે, ન્યુજર્સી, વાહ, બોલાય તમે ન્યુજર્સી ગયા, તમે આવ્યા હતા પાસે, તમે કોની પાસે છો? હું પહેલા હું અમારે પ્રીત, અમારી ડોટર સાથે હતી, હવે અમે એકલા રહીએ છીએ। અચ્છા, ઓને માસા, ઓને માસા એકલા છે। ન્યુજર્સી માં છો તમે? ભૂપેન્દ્ર મામાએ શરીર છોડી દીધું। અચ્છા, ઓકે ઓકે, 13 તારીખે 1 વર્ષ થશે મામા ને। ઓકે ઓકે, ભૂપેન્દ્ર મામા, હા મેં સાંભળ્યું, આપણે ગયા હતા ને। કેટલા વર્ષ થી તમે બાબા ના છો? હું તો 45 years, તારા કરતા પહેલા। અમારા કાકી છે ને, કાકી ના બેન, એટલે મારા કાકી મારા માસી જેવા થાય। लेकिन लेकिन माताजी, माताजी फिर भी आप उस रिलेशन से तारा नहीं बोल सकते, आपको आपका ही बोलना पड़ेगा, आप शब्द वो नहीं चलेगा। मैं तो छोटी हूँ ना उनसे, तो बहुत छोटी हूँ। भले आप फिर भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका प्यार है वो, ठीक है। सॉरी, ना ना, वांदो नहीं, वांदो नहीं, नो प्रॉब्लम। બાબા હમકો સિખાતે હે સબ નહી અચ્છી બાતે નહી। તમે ઓકે છો? ધ્યાન રાખજો તમારું। ભાવિની ને તબિયત સારી છે અત્યારે? મને ખબર નથી, પણ મેં સાંભળ્યું તું હોસ્પિટલમાં છે, હવે બેટર માં સિરિયસ સિરિયસ થઈ ગઈ છે। અચ્છા, બેટર હશે, હા, હવે ઘરે આવી ગયા છે, આવી ગયા હશે, હા, નીતા ધ્યાન રાખે છે હવે, હા હા। ઓકે, ચાલો બધાની યાદ આપજો। લૌકિક પરિવાર નો એ પરિચય છે કે હું તો આફ્રિકા ની છું, મારો બોન આફ્રિકા છે, ટાંગા, મારા પપ્પા એ ટાંગા માં બોન થયા હતા, મારા પપ્પા ના પપ્પા બી ઝાન્ઝીબાર, એટલે આફ્રિકા 3 generation, અને પછી અમે લોકો 5 વર્ષ બરોડા ખાસ મારા પપ્પા અમને મોકલ્યા કે તમે જઈને લેંગ્વેજીસ શીખો। એ બિઝનેસમેન હતા, એમનો હાર્ડવેર સનરી સ્ટોર હતો, આપણે આ ફર્નિચર બેડ્સ ને કબર્ડ્સ ને આ બધું વેચીએ ને, સોફાઝ ને ડાઇનિંગ ટેબલ્સ ને, એનો મોટા મોટા સ્ટોર્સ હતા એમના। અને આપણે આ સરોજ બેન છે ને, એમના બેન મારા કાકી થાય, સૌથી નાના કાકી, અને એ લોકોના ફેમિલીમાં બધા ભાઈઓ શરીર છોડી દીધું, એમના બધા યુગલો શરીર, ખાલી એક કાકી જ એકલા છે અમારા ફેમિલીમાં, એટલે આમના બેન સુભદ્રા કાકી, એમના ફેમિલી બધા અમેરિકામાં છે, 2 છોકરીઓ અહીંયા છે, એવી રીતે અમારા બધા ફેમિલી અમેરિકામાં છે, ખાલી અહીંયા આગળ અમારું જ ફેમિલીમાં હું, મારી મોટી બેન, મારો ભાઈ અને મારો બીજો ભાઈ, અમે લોકો લંડનમાં છે, બાકી મારા મમ્મીના સાઈડના બધા એમના ભાઈઓ એમના છોકરાઓ બધા અમેરિકામાં, અને મારા કાકાઓના સાઈડના મોસ્ટલી બધા અમેરિકામાં છે, પણ અમે જ ખાલી અમે અહીંયા છીએ ને, આ ભાવિની અને નીતુ આમના સુભદ્રા કાકીના 2 છોકરીઓ અહીંયા રહે છે। અને મારો એ પરિચય છે કે હું જ્ઞાનમાં આવી ત્યારે હું સ્ટુડન્ટ હતી, અહીંયા આગળ લંડનમાં રહેતી હતી પપ્પા સાથે ને મારા મમ્મી સાથે ફેમિલીમાં, પરંતુ મને ચાલતા ચાલતા બાબા કે છે ને, રસ્તે ચલતે ચલતે ફસ ગયે, અચાનક જ મારી નાની બેન 6-7 વર્ષની છે, એ જતી હતી સેન્ટરમાં ડાન્સ સ્કૂલ, પછી અનુરાધાબેન છોકરાઓને ડાન્સ શીખવાડતા હતા અને ડ્રામા શીખવાડે, 40 છોકરાઓ એમના ઘરે બધા જતા, તેમાં એક મારી બેન હતી, તેનું ઓપન ડે હતું, ઓપન ડે માં ગઈ, ઓપન ડે માં એ લોકો ડાન્સ કરતા હતા, અને એ ડાન્સ એને ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેર માં દાદી જાનકી પહેલી વાર 20 માર્ચ પછી એ લોકો બહુ મોટો પ્રોગ્રામ કરેલો ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેર માં, તો પેલા ભક્તિ, એનું નામ ભક્તિ છે, ભક્તિ ડાન્સ કરવાની,
જાગો જાગો આજ સવેરા, ઓલું ગીત નથી આપણું? હા, તો એ ગીત ઉપર એને ડાન્સ કર્યો. તો પછી હું એનું જોવા માટે ગઈ હતી ને, તેવી રીતે મને ગમ્યું, હું આવી ગઈ બાબા પાસે. અને એ મધુબન આવી પીસ ઓફ માઇન્ડ માં આવી હતી. એ આજે અહીંયા આગળ ક્યાં લક્ઝમબર્ગ માં છે, બિટવીન જર્મની, ફ્રેન્ચ, ફ્રાન્સ, ઇટલી, એની એની નજીક લક્ઝમબર્ગ. લક્ઝમબર્ગ બ્યુટીફુલ સ્થાન છે. ત્યાં આગળ પ્રાઇવેટ બેંકમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ડાયરેક્ટર છે, એક મોટી બેંકમાં, પ્રાઇવેટ બેંકમાં. એટલે એ ત્યાં રહે છે લક્ઝમબર્ગમાં. ભક્તિ મધુબન ગઈ છે, બાબાનું જ્ઞાન લીધું છે, બહુ સ્પિરિચ્યુઅલ છે. અને મારા ઘરમાંથી મારી મોટી બેને કોર્સ કર્યો એકાદ વર્ષ પહેલા, એ બાબાનું જ્ઞાન સાંભળે છે. મારા ભાઈએ લોકડાઉનમાં 2 વાર કોર્સ કર્યો. સી, દરેકને પોતપોતાની લાઈફસ્ટાઈલમાં બાબાનું જ્ઞાન ઇન્ટીગ્રેટ કરવાનું, બરાબર ને? હવે સમય નથી કે તમે કઈ છોડીને ભાગીને આવો. સમજો છો, બધા સમજુ માણસો, પોતાના જીવનમાં આ જ્ઞાનને કેવી રીતે ઉતારવું. બધા દરેક પોતાની રીતે આ જ્ઞાનની વેલ્યુ લે છે. જ્ઞાન તો બહુ ઊંચું છે, પણ આ જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું એ બહુ મહાન વસ્તુ છે. બધી જ પ્રકારની, ઇંગ્લિશ, હિન્દી બધું બોલવાનું, ગુજરાતી પણ. ખાસ કરીને જયારે કોઈ શરીર છોડે તો મને બોલાવે. અને બાબાએ મને ગિફ્ટ આપી છે. દાદી જયારે જતા હતા ને, અહીંયા બધી જ સેવા હોય, બધું દાદીએ શીખવાડ્યું. કોઈ દિવસ ના નહીં પાડવાનું, એ તો આપણે બધું દાદી સાથે શીખ્યા. સો દાદી જયારે સેવામાં જતા, આવી રીતે કોઈ શરીર છોડે, હું દાદી કે સાથ મેં જાતી થી. જૈમિની બેન જી, યહાં બહોત હૈ જો ગુજરાતી નહીં સમજતે તો થોડા પ્લીઝ. હા, હિન્દી મેં બોલના હૈ, મેરા તો ગુજરાતી મેં ગાડી ચલ પડી. ક્યુંકી હમ લોગ એસા ગુજરાતી નહીં બોલતે, હિન્દી તો બોલતે, ગુજરાતી નહીં બોલતે. તો આપકો દેખ કે હમારે અંદર સે ગુજરાતી નિકલ લગતા હૈ, લેકિન ભાઈ બહેન ઉન ભાઈ બહેન સમજતે હૈ, કોઈ 2-4 નહીં સમજતે હોંગે, બાકી તો સબ. હા, એ ક્યા હૈ, આપ સબકો દેખ કરકે ગુજરાતી નિકલા, નહીં તો નહીં નિકલતા હૈ. સભા મેં હમ લોગ જાતે ના કહેતે ગુજરાતી મેં ભાષણ કરો, મેં બોલતી હું, મેં ઇંગ્લિશ મેં બોલું, આપ લોગ સમજેંગે, ઇંગ્લિશ મેં બોલું. કહેતે હા ભલે બોલો. ઉનકે યંગસ્ટર્સ હોતે તો ફિર ઇંગ્લિશ મેં બોલતી હું મેં, પર ફિર બુઝુર્ગ હોતે તો ગુજરાતી મેં બોલતી હું, નહીં તો હિન્દી મેં બોલતી હું. હા, બહુ અચ્છી હમારી ભાષા, હમકો તો અચ્છા લગતા હૈ. તો શરીર કોઈ, જૈસે હમારા પુષ્પાબેન ઓર જયંતિભાઈ સોલંકી, પુષ્પાબેન ને અચાનક શરીર છોડા, દુસરા પુષ્પાબેન ને અચાનક શરીર છોડા. જબી કોઈ શરીર છોડને પરે મેરે કો બુલાતે, મેં જાતી હું હોસ્પિટલ મેં, બાબા કો યાદ કરતી હું, દ્રષ્ટિ દેતી હું, આત્મા શરીર છોડતી. એસે હમારે નજરો કે સામને દો આત્માએ પુષ્પા, દોનો પુષ્પા બેન શરીર છોડા મેરે સામને. ફિર ઉનકા પૂરા પરિવાર કો હમ સાથ દેતે, સહયોગ દેતે, 13 દિન તક પૂરા ધ્યાન રખતે હૈ. અભી ઉસકી લડકીઓ કો ભી હમ પૂરા, જૈસે કુછ ન કુછ મેં થોટ્સ ભેજતી હું, બાબા કે મુરલી કા સાર ભેજતી હું, ફોન પર ઉનસે બાતે કરતી રહેતી હું. પર્સનલી સમય હૈ તો ઉસકે ઘર મેં મેં ચલી જાતી હું મિલને કે લિયે, 2 મિનિટ ખડી ખડી, આધા ઘંટા મિલ કરકે ભી આ જાતી હું, અચ્છા લગતા હૈ ઉનકો. તો યે જો હૈ ને, યહાં કોઈ પૂછને વાલા ચાહિયે, યહાં હૈ ને લોગ અકેલે બહોત હૈ, તો એસે પૂછને વાલે ચાહે. તો મેરી યે સેવા હૈ, સબકો જીતના મેરે સે હો સકે મેં પૂરા સહયોગ ઓર સાથ દેતી હું. પરિવાર કી, હા, જૈસે હમને દાદી સે સીખા હૈ, વો હમારે હડ્ડીઓ મેં ગયા હૈ, હમકો આતા હૈ કૈસે ઉનકો ભાષણા દેના હૈ, સબકા દિલ કૈસે લેના હૈ. યે હમને બહોત બડા લેસન દાદી સે સીખના, ભાષણા દેના. ઓર ઉનકો સિર્ફ જ્ઞાન તો સુનાતે હૈ, પરંતુ જ્ઞાન સુનાને કે બાદ ઉનકા દિલ હલકા કરના, યે બડી સેવા. ફોન આતે રહેતે હમારે પાસ. અભી મેને નક્કી કિયા હૈ, પૂરા લોકડાઉન મેં હમ બિઝી રહે ચંપાબેન. અચ્છા,
अभी हमने नक्की किया, आज से शुरू कर दिया मैंने अपना प्रिपरेशन। एक तो हमने पूरा अपना वेयरहाउस था पब्लिकेशन का, वो खाली किया 6-7 दिन के अंदर। अच्छा, इतना भाई बहनों माना लॉकडाउन में, फिर छोटी स्थान या ग्लोबल हाउस में ही किया फिट उसको, फिर 2-3 जगह और रखा। परंतु ये सारा ऑर्गेनाइज हमारे साथ एक भाई है ओआरसी का, रजनी भाई, बहुत प्लानिंग इंटेलेक्ट है, बहुत अच्छा उसने सेवा किया। अच्छा। तो अभी फिर दूसरा फेज अभी शुरू हो रहा है, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है तो उसके लिए तैयारी हमने अभी बोल दिया कि बस कल हमारा एक और ड्यूटी है, अभी दूसरा ये भी मेरा ड्यूटी है। यहाँ पर ड्यूटी तो नहीं है पर मैं सहयोग करती हूँ, मेरे डॉक्टरों के साथ ज्यादा पहचान है। अच्छा। तो कोई ना कोई को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको ले जाती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में सब पर्सनल कंसल्टेशन बंद है। तो कैसे वो डॉक्टर्स मुझे बुलाते, चलो आप ले आओ, अभी ये ड्यूटी पर है तो आप अपना काम करवा लो। तो ऐसे करके खास हम कोई हमारी बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट बेन का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये आ गई है, तो अभी कल उसका पूरा होगा सब कुछ। तो उसके अच्छा। लिए मैंने टाइम दिया है, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे पूरा हमारा साइलेंस है। मैंने कहा फोन बंद, ईमेल बंद और व्हाट्सएप बंद, कुछ आंसर नहीं करना है। 3 दिन पूरा साइलेंस, मन का मौन, मुख का मौन और कुछ और नहीं। हमको अभी हमको लिखना बहुत है, दादी मेरे को बोलती थी तुम लिखती क्यों नहीं हो, दादी कहती तुम औरों को क्यों बोलती हो लिखने का, क्योंकि मेरा पब्लिकेशन यही ड्यूटी है ना, कहती औरों को क्यों बोलती तुम लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते, मेरे को लिखने का शौक है पर मैं टाइम नहीं करती हूँ लिखने के लिए, मैं बोलती मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी मेरे को दादी के लिए कुछ लिखना है तो मेरे को साइलेंस चाहिए, 3 दिन साइलेंस। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, 3 दिन पूरा हमने नक्की कर दिया। अभी काम तो बहुत है, जयंती बेन आई है क्वारंटीन में है, कल वो क्वारंटीन से बाहर निकलेगी, कल तो मैं आधा दिन बिजी होगी, फिर मैं वेनसडे से पूरा साइलेंस में हूँ तो अच्छा ही है। फिर हमारी सैटरडे से राखी शुरू है, वो योग भट्टी है 2-2 घंटा सुबह शाम, 2-2 घंटा 10 से 12, 6:30 to 8:30 शाम को भट्टी है योग की जैसे। बहुत अच्छा। हाँ, तो आज जो काम करना है आज कल में सब कर लो, बहनों को ड्यूटी दे दिया है, अभी हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे कोई भी। अच्छा। कुछ भी है अभी स्टॉप रहेगा सब नेक्स्ट वीक तक। अच्छा। चलो बहुत अच्छा, चलो आपने हमको भाषा दिया, दादी की भाषा आ गई बहन। हाँ, जो बात कही ना गुजराती में, मैंने सॉरी आपको टोका, हिंदी बोलने को बोला, लेकिन आपके फादर की विशेषता कहे तो देखो, खास 5 साल आपको भेजा और कहा कि भैया भाषा सीखो और उसमें हमारा कल्चर है, ये कितनी अच्छी विशेषता है। तो ये कहेंगे माता छे गुजरात नी धरती वतन नी ये माटी छे, माता छे गुजरात नी धरती वतन नी ये माटी छे, ते माटी मा मूळ छे मारा, भाषा मारी गुजराती छे, भाषा मारी गुजराती छे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चलो हम आपको देख सकते, आप हमको नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, ड्रामा थोड़ा ही देखने का। ऐसे ही चलाओ, 1 मिनट योग करा। मैं आपको सबको देख सकती हूँ, मैं आपको दृष्टि दे रही हूँ, देखो। जयमिनी बहन कितने साल बाद मिले और पर्दे में आ गए, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज देखो दादी हमारी वतन में है, आज 27th हुआ या दादी की एनिवर्सरी है, 4 महीना पूरा हुआ और हम ये देखते हैं दादी वतन में है, हम दादी को नहीं देख सकते, दादी हमको देख सकती है और हम आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। सब भाई बहनों को बहुत 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 थैंक्स और राखी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, हैव अ वंडरफुल राखी, बाबा के साथ राखी, एक बाप दूसरा ना कोई, ठीक है ना। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।